हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोटेटर कफ इंजरी या रोटेटर कफ टियर के बारे में। जब भी आपको शोल्डर की पेन होती है तो आपने हमेशा सुना होगा कि हमें रोटेटर कफ इंजरी हो गई या डॉक्टर्स कहते हैं आपकी एमआरआई में आया कि रोटेटर कफ की प्रॉब्लम आ रही है। अब ये रोटेटर कफ होता क्या, क्योंकि कॉमनेस्ट सबसे कॉमन शोल्डर इंजरी या शोल्डर प्रॉब्लम को रोटेटर कफ इंजरी का नाम दिया जाता है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से रोटेटर कफ मसल्स होते हैं, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, उनको पता ही नहीं है कि रोटेटर कफ क्या होता है। उनको लगता है पता नहीं रोटेशन में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए रोटेटर कफ, क्योंकि हम तो ये रोज पेशेंट्स देखते रहते हैं, हम बात करते रहते हैं। मैं आपको इसमें सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कौन कौन से रोटेटर कफ मसल्स होते हैं शोल्डर में, किस किस तरह की इंजरी होती है और उस इंजरी की वजह से क्या होता है और उसको कैसे ठीक किया जाता है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो अब देखते हैं कौन से चार मसल्स हैं रोटेटर कफ के। सबसे पहले आता है सुप्रास्पाइनेटस, फिर आता है इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टीरियस माइनर। ये चार मसल्स जो होते हैं ये बनाते हैं हमारा रोटेटर कफ। अब सुप्रास्पाइनेटस का क्या मतलब होता है, इस तरह से ये मसल हमारा, ये स्कैपुला है, तो ये हमारी ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला बोलते हैं। तो सुप्रा का मतलब ऊपर, तो स्पाइन के ऊपर वाला जो मसल होता है इस जगह पे लगा होता है उसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस। अब ये मसल यहाँ से लेके इस जगह तक लगा रहता है। मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ पता होना चाहिए ये कौन सा मसल कहाँ पर लोकेटेड है। सुप्रास्पाइनेटस का मतलब जो इसका मसल का एक्शन होता है वो होता है हमारा एबडक्शन, एबडक्शन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि हमने साइडवेज रेजिंग जो करनी है आर्म की, इस तरह से साइडवेज हमने रेज करना है आर्म को, उसको हम कहते हैं उसकी उसका मतलब सुप्रास्पाइनेटस ये काम करता है। और ये सबसे कॉमनेस्ट रोटेटर कफ मसल्स है जो इंजर्ड होता है। सुप्रास्पाइनेटस इंजरी आपने एमआरआई में काफ़ी देखा होगा, सुप्रास्पाइनेटस टियर है, अब ग्रेड वन है, टू है, थ्री है, ये सब उसमें मेंशन होता है। तो जब हमारा सुप्रास्पाइनेटस टियर होता है तो पेशेंट की आर्म जो है वो साइड से रेज नहीं हो पाती, क्योंकि वो गिरने की वजह से भी हो सकती है इंजरी, सडन जर्क लगा तब भी हो सकती है। तो पेशेंट को क्या होता है, साइड से आर्म रेज करना मुश्किल होता है, उससे ऐसे उठाया नहीं जाता, वो शोल्डर को क्या करता है इस तरह से एलिवेट करता रहता है। तो ये मसल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट मसल है जो हमें साइडवेज लेके जाता है, एबडक्शन करता है। ऐसे ही आता है इंफ्रास्पाइनेटस। इंफ्रास्पाइनेटस हमारा करता है एक्सटर्नल रोटेशन, इस तरह से एक्सटर्नली रोटेट करेगा आर्म को। साथ ही साथ इंफ्रास्पाइनेटस लगा होता है इंफ्रा यानी कि नीचे, तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला के बिल्कुल नीचे इस जगह पे इंफ्रास्पाइनस फोसा है, यहाँ पे ये लगा होता है हमारा इंफ्रास्पाइनेटस मसल। तो हमारा क्या करता है, इंफ्रास्पाइनेटस करेगा एक्सटर्नल रोटेशन प्लस स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी जरूर लेके आता है हमारे जो शोल्डर जॉइंट है, जब भी डायनेमिक स्टेबिलिटी लेके आता है, जब भी हमने मूवमेंट करनी होती है कोई भी, तो ये इंफ्रास्पाइनेटस मसल उसको पकड़ के रखता है अपने पास। और इसी तरह सुप्रास्पाइनेटस क्या करता है, जब हमने साइडवेज रेज करना होता है आर्म को, तो ये हमारे शोल्डर हेड को खींच के हमारी ग्लूटेड कैविटी के पास रखता है, यानी कि जब भी हम मूवमेंट करेंगे तो उसको वो स्लाइड करवाता है नीचे की ओर और उसको कैविटी के अंदर रखता है, क्योंकि जब हम बाहर लेके जा रहे हैं बाजू को तो हो सकता है वो शोल्डर का जो ज्वाइंट है वो अगर स्टेबल ना हुआ तो वो उसको बाहर की ओर ले जाएगा, तो उसको कैविटी के अंदर तक लेके रखता है। तो ये होता है हमारा सुप्रास्पाइनेटस का और इंफ्रास्पाइनेटस का काम। नेक्स्ट आता है सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस करता है हमारी इंटरनल रोटेशन, यानी कि अंदर की ओर जो रोटेशन होती है या एडक्शन होती है उसको हम, एडक्शन अलग मूवमेंट होती है, पर ये दोनों काम करता है हमारा सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस मसल सिर्फ एक ही ऐसा मसल है जो एंटीरियरली लगा है, यानी कि जो हमारा स्कैपुला है उसके एंटीरियर पोर्शन पर ही लगा हुआ है सबस्कैपुलरिस मसल। तो सबस्कैपुलरिस का काम होता है इंटरनल रोटेशन। अब ये भी हमें जितनी भी हमारी इंटरनल रोटेशन की मूवमेंट्स होती हैं, हाथ पीछे लेके जाना, अगर ये मसल इंजर्ड होगा तो हमारी ये वाली सारी मूवमेंट्स जो हैं ये हमारी लिमिटेड हो जाती हैं। फोर्थ आता है टीरिस माइनर। वैसे दो टीरिस होते हैं, एक टीरिस माइनर एक टीरिस मेजर, पर रोटेटर कफ का जो पार्ट है वो है हमारा सिर्फ टीरिस माइनर। टीरिस माइनर मसल भी एक्सटर्नल रोटेशन करता है इस तरह से, और साथ ही साथ ये भी स्टेबिलिटी लेके आता है, पर ये मसल थोड़ा छोटा होता है और बिल्कुल इंफ्रास्पाइनेटस के पीछे पड़ा है, और यहाँ से बिल्कुल पोस्टीरियरली जो हमारी इंफीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला होता है वहाँ से शुरू होकर ये शोल्डर तक हमारा जो ह्यूमरस है वहाँ पर लगा होता है। मैंने आपको पहले कहा मैं डिटेल नहीं बताऊँगा, तो यहाँ पे लगा होता है। तो टीरिस माइनर का मसल भी एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है। तो दो एक्सटर्नल रोटेशन करवाते हैं, टीरिस माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस करवाता है हमारा एबडक्शन और सबस्कैपुलरिस करवाता है इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट आता है कॉज ऑफ इंजरी, रोटेटर कफ इंजरी होती कैसे है। यहाँ तो फॉल की वजह से, हम कहीं गिर गए हैं और हमने अपने आप को बचाने के लिए जब आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरते हैं तो हमारी शोल्डर की कहीं ना कहीं मसल की इंजरी हो जाती है, क्योंकि वो सडन एक जग लगता है।
या जर्की एक्टिविटी, जैसे हम कोई जैसे थर्मामीटर को कई बार ऐसे कर रहे हैं, या तेजी से सिलेंडर उठा लिया, या हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में कभी भी हम सडन जर्क जब लगता है, जर्की एक्टिविटी कोई होती है, तो तब भी ये हमारी एक्टिविटी, जब जर्की एक्टिविटी तब भी हमारी ये इंजरी होने का खतरा रहता है। लेग्स अदर स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरीज में ये बहुत कॉमन है, थ्रो कर रहे हैं क्रिकेट में तब हो जाती है, या स्पोर्ट्स कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है तो जैसे फुटबॉल में हम गिरते हैं तब भी हो जाती है। इस तरह से हमारी जो शोल्डर इंजरीज हैं ये होती हैं, या कई बार क्या होता है, हम गलत तरीके से अगर सो जाएं तो भी हमारा जो मसल है वो वीक होता जाता है, तब भी हमारा ये कई बार कारण होता है कि हमारी रोटेटर कफ की इंजरी होती है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं हमने तो कोई स्पोर्ट्स खेला ही नहीं, फिर भी मेरी इंजरी कैसे हो गई, फिर भी मेरी MRI में सुपरस्पाइनेटस टीयर दिखा रहा है। तो वो हमारे जो टीयर हैं वो छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स हैं जो एक बड़ा टीयर बन जाता है। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स। अब रोटेटर कफ इंजरी हुई है तो होगा क्या, सबसे पहले तो उसको जो उसकी रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगी, यानी कि वो अपने उसके पार्ट जो है वो हिल नहीं पाएगा, उस मूवमेंट को वो कर नहीं पाएगा, तो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन यानी कि लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन। इन्फ्लामेशन होगा, पेन होगा, पेन स्वेलिंग ये सब कुछ होता है। अब वो स्वेलिंग बाहर नहीं दिखती, अंदर होती है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन क्यों होती है, क्योंकि वो एक पार्ट है हमारे हीलिंग का पार्ट है, इसलिए वो इन्फ्लामेशन में मूवमेंट को रोक रहा है, तो इसलिए रोक रहा है ताकि और इंजरी ना हो उस पार्ट पे। तो इन सब के बाद आता है इसका कॉम्प्लिकेशन। ये सब होने के बाद क्या, रेंज ऑफ मोशन कम हो गई तो क्या होगा, हमारे पेशेंट जो है वो मूवमेंट नहीं करेगा। वो मूवमेंट ना करने की वजह से कई बार उसको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, क्योंकि कई बार काफ़ी देर तक हमें रेस्ट में रखना पड़ता है, इस पार्ट को मूवमेंट नहीं करवानी पड़ती, तो ये फ्रोजन शोल्डर होता है। और कई बार कंपनसेटरी पेन्स होते हैं, तो उसका पेन जो होता है शोल्डर जॉइंट की बजाय इस लेटरल साइड ऑफ आर्म कई बार नीचे तक आता है, या पीछे हमारा अपर बैक जहाँ पे स्कैपुला होता है वहाँ पे भी पेन बहुत होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ट्रिक मूवमेंट्स करके अपने शोल्डर को एलिवेट करके, कभी कुछ करके इस तरह से मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमारे बाकी मसल्स का यूज़ ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कंपनसेटरी पेन शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा कॉज ऑफ इंजरी और सिम्टम्स। अब चलते हैं हम अपने ट्रीटमेंट की तरफ, लास्ट आते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ। अब ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये वेरी करता है कि कौन से ग्रेड की इंजरी हुई है और किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए होगा। क्योंकि जब ग्रेड कम होता है इंजरी का तो इजीली बिना सर्जरी के इंजेक्शन के ठीक हो जाता है, तो वो हम ये दो पार्ट लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मान लीजिए किसी को इंजरी हुई है तो सबसे पहले उसने करना रेस्ट, आइस पैक। आइस पैक होता है इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए, और रेस्ट किस में हमने करना है, या तो उसको शोल्डर ब्रेस लगाना पड़ेगा या स्लिंग लगाना पड़ेगा उसको रेस्ट पे रखने के लिए, ताकि उसकी हीलिंग जो है वो प्रॉपर हो सके। क्योंकि अगर हम मूवमेंट करते रहेंगे तो हीलिंग डिस्टर्ब होती रहेगी और हो सकता है और इंजरी बढ़ जाए। तो सबसे पहले काम हमने ये करना है। सेकंड आता है NSAIDs, जो हमारे NSAIDs का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी हमें खाने पड़ेंगे, साथ साथ हमें फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। ये सेकंड स्टेज का काम है, यानी कि जब पेशेंट का एक्यूट फेज निकल रहा है तो हमें फिजियोथेरेपी इसलिए स्टार्ट करनी है ताकि उसके जो फ्रोजन शोल्डर है वो ना बने। और मूवमेंट का ये ध्यान रखना है कि अगर इन्फ्लामेटरी फेज में है तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवानी, सिर्फ उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में रखें, और साथ में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएं। मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है कि हमें रोटेटर कफ के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो जाके आप देख सकते हो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमने एक्सरसाइज पे इस तरह से फोकस करना है। कईयों को होता है बहुत जल्दी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो उनकी इंजरी जो है वो और बढ़ जाती है, तो इस तरह से हमने नहीं करना। इन्फ्लामेटरी फेज में थोड़ा सा संभल के चलना होता है, इतनी जल्दी एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी। हाँ, जब आप फेज का ध्यान रखते हुए या अपनी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी सॉल्व होती जाती है, पेन कम होती जाती है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को इंक्लूड करेंगे जैसे जैसे हम ठीक होते जाएंगे। थर्ड आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन या सर्जरी। अब लास्ट स्टेज ये वाली है जब कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा तो हमारे शोल्डर में इंजेक्शन लगता है ताकि हमारी जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाए। काफ़ी लोगों को उसके बाद फ़र्क पड़ जाता है, अगर तब भी फ़र्क ना पड़े, अगर ग्रेड 3 हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट टीयर हो चुका है, तो हमें सर्जरी करवानी पड़ सकती है। तो सर्जरी में भी वो आपको पता लग जाएगा कि हम कौन कौन से ग्रेड में, ये हमें सबसे ज़रूरी होता है कितनी देर में हमारी रिकवरी नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ये सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं फिर ही सर्जरी की तरफ जाएंगे, अदरवाइज 80-90% जो लोग हैं वो इसी तरह से फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से वो अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो रोटेटर कफ इंजरी, अब अगर आपको कोई कहे कि आपको रोटेटर कफ इंजरी है तो आप ये उसको वीडियो भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और आपको पता लग जाएगा कि हमें रोटेटर कफ में कौन कौन से मसल्स आते हैं, किस तरह की इंजरी होती है और क्या क्या हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाकर मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। और हाँ, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, क्योंकि मैसेज भी हम अपॉइंटमेंट देते हैं।
तो ये रोटेटर कफ इंजरी के लिए। अब आगे भी आपको एमआरआई अगर आपको पता लगेगा कि हमारे शोल्डर में क्या क्या इंजरीज हैं तो आपको ये पता लग जाएगा ये वीडियो देख के। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।